में यहाँ पे जो पबजी है वो स्टार्ट हो चुकी है और इसको हम लोग यहाँ पे स्टार्ट होने देते हैं। और आप लोग भी अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। हमारी जो वीडियो है वो काफी ज्यादा एपिक होने वाली है। यहाँ पे ये जो डिवाइस है इसमें लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा एपिक आपको देखने को मिल जाता है और कुछ इस टाइप की आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। सबसे पहले तो हम लोग इस डिवाइस को लोड होने देते हैं और इसको मैंने वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है, आपको मैं यहाँ पे शो कर दूं, ठीक है ना। इसको अब हम लोग यहाँ से एग्जिट करते हैं एंड आपको मैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये कुछ इस टाइप का करेक्टर देखने में मिलता है। यहाँ पे हम लोग अनरैंक्ड मैच के अंदर जाते हैं और एरिना को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको टीडीएम खेल के दिखाने वाला हूँ। अगर हम लोग बात करें सेटिंग्स की तो सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं देखने में मिलते। आपको यहाँ पे मैं सबसे पहले ग्राफिक्स दिखा देता हूँ। तो ग्राफिक्स के अंदर स्मूथ प्लस अल्ट्रा के अंदर काफी ज्यादा अच्छे से चल जाता है, HD तक चले जाता है। HD में आपका हाई ग्राफिक्स पे चलता है एंड स्मूथ पे कुछ इस टाइप से अल्ट्रा तक जाता है। कलरफुल ग्राफिक्स के अंदर हम लोग खेलने वाले हैं और ये कुछ सेटिंग्स देखने को मिलती है इसकी। इसको मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। देन हम लोग जाते हैं सेंसिटिविटी के अंदर, जायरोस्कोप के अंदर। यहाँ पे ऑलवेज ऑन है, मैं इसको स्कोप ऑन पे कर देता हूँ। तो इसको भी हम लोग यहाँ से एग्जिट करते हैं। कुछ इस टाइप की आपको यहाँ पे ऑल ओवर इंटरफेस देखने को मिल जाता है। इसको मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। जब तक ये स्टार्ट हो रहा है आप लोग वीडियो को लाइक कर दो अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा हुआ है तो। और चैनल पे नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हो। ज्यादा कुछ जाता नहीं आप सभी का बट हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो ये गेम हमारी कुछ इस टाइप से स्टार्ट हो रही है। इसको हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट होने देते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है इंटरफेस। और यहाँ पे अगर हम लोग जायरोस्कोप की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आपको मिलता है जायरोस्कोप की सेंसिटिविटी और बाकी सब चीज़ें। तो ये चीज़ और यहाँ पे अरे 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 इसको तो देखो कैसे मेरे को यहीं पे मतलब हमारे बेस के अंदर घुस के मार रहा है। अरे ससुरे तू जा पहले। तो गाइज मैं यहाँ पे देखो एकदम अभी कैमरे के सामने इतना अच्छा नहीं खेल पा रहा हूँ बट आपको मैं यहाँ पे अगर जायरो की सेंसिटिविटी दिखाऊँ तो बहुत ही ज़्यादा एपिक चलती है। कुछ इस टाइप से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छा जायरो चल रहा है। तो जायरो में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बहुत से लोग यहाँ पे बोलेंगे कि इसकी सेंसिटिविटी एंड बाकी सब चीज़ें कैसी हैं। तो आप लोग देखो अगर आप लोग पबजी ऐसे खेलते तो ये देखो कुछ इस टाइप के आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। वैसे मैं जायरो प्लेयर हूँ नहीं तो इसलिए मुझको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और वैसे भी कैमरे के आगे खेलने में बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स आपको लगती हैं। तो कुछ इस टाइप का आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। और जो बैटरी एंड बाकी सब चीज़ें वो भी इस डिवाइस की बहुत ही ज़्यादा एपिक चलती है और रिस्पॉन्स इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी तक आप लोग देखो वाईफाई पे मैंने रन कर रखा है, 76 ms की पिंग आ रही है, बहुत ही ज़्यादा एपिक है ना। और अगर हम लोग इसको जियो के नेटवर्क पे यूज़ करते हैं तो इसका एंटीना मैट्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सैचुरेटेड है। आपको कोई भी वाईफाई के अंदर प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कि मतलब ऐसे लगे कि डिवाइस लैग कर रहा है फिर कुछ है, तो वो सब चीज़ आपको नहीं देखने को मिलती। और इतना मैंने यहाँ पे खेल लिया है और इसके अंदर तो मुझको वैसे कोई लैग स्टटर्स नहीं देखने को मिले हैं। और उसी के साथ साथ आपकी जो ऑल ओवर गेमिंग परफॉर्मेंस है बहुत ही ज़्यादा एपिक देखने को मिलती है। तो ये चीज़ आपको ठीक ठाक ही देखने को मिलती है अगर आप लोग इसको फॉर गेमिंग पर्पस परचेज कर रहे हो तो। यस इसको आप लोग परचेज कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको लगने वाला है ये। अगर मैं यहाँ पे जायरो देखूँ तो जायरो इसका बहुत ही ज़्यादा सुनहरा वर्क कर रहा है, कोई आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलने वाली है ना। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जैसे बहुत सारे यूज़र्स बोलते हैं कि जायरो में प्रॉब्लम्स आती हैं तो वैसा कुछ नहीं है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जायरो इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चलता है। अब मैं अगर इसको इसका जायरो ऑलवेज ऑन पे करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑलवेज ऑन पे नहीं करा जायरो, तो मैं ऑलवेज ऑन पे भी करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो जायरो अच्छा चल रहा है, जायरो में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती क्योंकि बहुत सारे यूजर्स अपने जो डिवाइसेस होते हैं उनकी गेमिंग परफॉर्मेंस को जायरोस्कोप के थ्रू ही जज करते हैं। तो जायरोस्कोप के थ्रू आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गेमिंग अच्छी देखने को मिलेगी आपको। और अभी तक मैंने एक भी किल नहीं करी तो ये थोड़ा सा दुख हो रहा है क्योंकि वीडियो बनाने के चक्कर में किल्स विल्स का कुछ इतना वो हो नहीं रह पाता। तो ठीक है ना, यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। देखो सांप बन गया, कैसे सांप बन के बैठा हुआ था। तो अगर आप लोग इसको फॉर गेमिंग पर्पस परचेज करना चाहते हो तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसको परचेज कर सकते हो इस बजट के अंदर, काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। और जायरो इसका रियली में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और वैसे अगर हम लोग बात करें कि इसके लैग स्टटर या फिर कुछ इश्यूज़ की, तो अभी तक तो देखो मुझको कोई भी इश्यूज़ नहीं देखने को मिले, आपका जो डिवाइस है काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, लैग स्टटर्स बिल्कुल भी नहीं देखने को मिले। तो ये चीज़ आपकी अच्छी है। और ये देखो
हाँ ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलती। तो यहाँ पे भी आप लोग इसको काफ़ी अच्छे से परचेस कर सकते हो अगर आप लोग इसको फॉर गेमिंग परचेस करना चाहते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। एंड उसी के साथ साथ ये डिवाइस आपको काफ़ी वर्थ इट लगने वाला है। ये गेम भी हमारा फिनिश हो गया, यहाँ पे हम लोग हार चुके हैं क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी नहीं खेल पाया और ये एकदम न्यू आईडी है। और बाकी सब चीज़ें आपको दिखाने के चक्कर में जायरो मैंने ऑन करा था और जायरो मैंने आपको बता रखा है, जायरो में मुझको भैया खेलना नहीं आता, आई एम नॉट अ जायरो प्लेयर। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। उसी के साथ साथ ये जो डिवाइस है आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। अगर आप लोग इसको परचेज करना चाहते हो तो इसकी बेस्ट बाय लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां से आके इसको परचेज कर सकते हो। और परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी ठीक ठाक है, अंडर दी प्राइस सेगमेंट आप लोग इसको परचेज कर सकते हो। आई होप आपको यहाँ पे जो वीडियो है वो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो। उसी के साथ साथ आप लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय एंड सी यू ऑल गाइस इन आवर वेरी नेक्स्ट वीडियो।